हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में इग्नू की तरफ से बहुत सारी अपडेट है जो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आप सबको इस बात के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन थी, आपके एडमिशन, आपके एग्जामिनेशंस और आपके रिजल्ट तक के लिए बहुत सारी नई नई अपडेट है जो इग्नू की तरफ से आई है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं, क्योंकि इग्नू में सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं होता, एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड स्टूडेंट्स वीडियोस को नहीं देखते, हर एक टाइप के स्टूडेंट्स हैं। कोई अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है तो कोई अपने एडमिशंस के बारे में जानना चाहता है और वैसे बहुत सारी चीजें, और वीडियो में सबके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस वजह से आप थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को जरूर देखिए, ताकि क्या है वीडियो में आपके काम का वो तो जरूर देखिए। हर एक कैंडिडेट के लिए होता है, आप बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, इस वजह से आपको जानकारी नहीं मिलती, तो आप प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाइए। चलिए अब बात करते हैं बहुत सारी अपडेट जो इग्नू की तरफ से आई है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले एडमिशंस को लेकर हम यहाँ पे बात करते हैं। आप सबके तरफ से बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम बताइए, क्या हमारा जो एडमिशंस का लास्ट डेट है, जो कि आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एडमिशंस का जो डेट है वो यहाँ बता दिया गया है आपके, वो है आपका 28 फरवरी 2021। तो क्या ये डेट आगे बढ़ेगी, क्या ये डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, हम क्या करें? तो दोस्तों, इसका जवाब है ये डेट एक्सटेंड होगी। आपकी जो 28 फरवरी 2021 के एडमिशंस की डेट है वो एक्सटेंड जरूर से जरूर होगी। इग्नू हर एक साल जनवरी से ये प्रोसेस शुरू करता है, लेकिन इग्नू ने इस बार देरी की है और मैं आपको जो खबर बता रही हूँ कि डेट एक्सटेंड होगी, वो 100% डेट एक्सटेंड होगी। इसके रिगार्डिंग नोटिस 2 दिन में आपके पास आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में भी, तो चलिए आप इस चीज को लेकर निश्चिंत हो जाए। अगर आज आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा, यानी कह रही हूँ 28 फरवरी का, तो उसके बाद भी आपकी प्रोसेसिंग चलेगी, एडमिशंस होंगे। अब हम बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। जनवरी से ये री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू है, और जैसे कि आपने देखा था लास्ट टाइम जब एडमिशंस की डेट बढ़ाई गई तो फिर री रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई थी फिर से, तो री रजिस्ट्रेशन की भी डेट एक्सटेंड होगी, इस बात की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। लेकिन इसकी डेट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बढ़ाई जाएगी, 1 वीक तक मुश्किल से इसकी डेट बढ़ेगी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर री रजिस्ट्रेशन कर लें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज, आपके एडमिशन आपने लिया है, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा प्रोग्राम में कितने क्रेडिट है, एवरीथिंग। सिंपली आप प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में जाइए, यहाँ से जितने भी कोर्सेस हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी हो तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। नेक्स्ट जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट। कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आया है, ये आप ही सबका सवाल था। तो किन के रिजल्ट आए हैं और किन के नहीं, कोई स्टूडेंट्स सेम वही पेपर दे के आया है और फिर दूसरे स्टूडेंट ने भी सेम पेपर सेम डेट पे दी है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया, ये क्या कर रहा है इग्नू? तो ये आप इग्नू की गलती नहीं है और ना ही आपकी गलती है, इग्नू प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। हर एक दिन बहुत सारे पेपर चेकिंग होते हैं, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क्स, सारी चीज़ें होती हैं, सबको प्रोसेस करना, उसके बाद अपडेट करना, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें होती है, इस वजह से प्रोसेसिंग में थोड़ी सी लेट है। अगर आपका स्टेटस शो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस देखिए, स्टेटस में आपका अगर आपका असाइनमेंट का नंबर शो नहीं कर रहा तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आपका एक साथ शो करेगा। दूसरी बात है 2021 के जून के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, अब ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 2021 के जून के एग्जामिनेशंस में कैंडिडेट कौन बैठेंगे, और अगर वो नहीं बैठे, उन्होंने नहीं एग्जामिनेशंस दिया, अपियर नहीं हुए, तो क्या उनका प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाई थी, फिर आपको ज़रूर रिमाइंडर करूँगी और डिटेल से बताऊँगी कि क्या करना है नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ है, आपका अगर रिजल्ट नहीं डाउनलोड हो रहा तो वेट कीजिए, जैसे ही एग्जामिनेशंस ख़त्म होगी उसके कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये रिजल्ट का टैब इसलिए इग्नू खोला है, इसलिए इग्नू ने खोल रखा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं
जो री रजिस्ट्रेशन जिनकी एक्सपायर हो रही है और वो चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन में अगर उनके कम नंबर आए यानी फरवरी वाले, तो वो कैंडिडेट अपना री एडमिशन री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर उनका रिजल्ट क्या हुआ। इस वजह से इग्नू ने ये प्री रिजल्ट डिक्लेरेशन की है, प्री डिक्लेरेशन इग्नू ने करने के लिए ये लिंक ओपन किया है। आपका जब फाइनल ग्रेड कार्ड आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एग्जाम का क्या है। तो देखिए, एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से आपको दो तीन चीजें जो है आपको बहुत ध्यान में रखनी होती है ना, जो कहते हैं ना चाणक्य नीति, समथिंग दैट इग्नू के पास आपको पास कराने का उन्होंने पूरा यहाँ पे आपके लिए पूरा एक कहा जाए तो आपको पूरी किताब ही पकड़ा दी है और आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया है। जस्ट बिकॉज आप सोचते हो कि इग्नू क्या है, कैसे हम सारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस को समझे, बट यहाँ पे आपके पास सबसे इजी तरीका है एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, वो है आपका प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। अब आप सोचो कि मेरे पास तो सॉल्व पेपर नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। डोंट वरी, हम है ना आपको सारी चीजें बताने के लिए। देखिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। इसमें भी आपको स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कत होती है, दिक्कत तो होनी ही है क्योंकि इतनी सारी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और इतनी सारी चीजें इसमें बताई गई है कि स्टूडेंट्स का तो दिमाग ही खराब हो जाता। लेकिन इसमें दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है, आपको चूज कैसे करना है। अगर आपका हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है तो आप स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में जाइए। उसके बाद अगर आपका कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रिसर्च वाला प्रोग्राम है तो आप उस पर जाइए। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे जाइए। अगर आपका सोशल साइंस आर्ट से समथिंग कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट है तो आप स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आइए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी आपकी बैचलर्स डिग्री है आर्ट्स से जुड़े हुए आपको पूरे मिल जाएंगे। मास्टर से लेकर आपके सर्टिफिकेट कोर्स से डिप्लोमा कोर्स सारे इसी स्कूल में आपको मिल जाएंगे। ये है इसको फाइंड आउट करने का तरीका। जैसे अगर आप मास्टर्स इन हिंदी एमए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये मिल गया। यहाँ पे बता दिया गया है कि MHI 1 से लेकर 10 तक इंक्लूड है। सिंपली आप इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के साथ साथ ही आप पहुंच जाएंगे इसके क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर आने के यहाँ पे बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिखेंगे। सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है, आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, कोड देख लीजिए, कोड से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि यही आपका सब्जेक्ट है। आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको बता दूं कि जैसे ही ये डाउनलोड होगा जितने पेपर आपके हैं आपके यहाँ पे आ जाएंगे, आप उसे सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और बस उसे पढ़िए। अब पढ़ने का तरीका हम मान लेते हैं कि आपने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किया, जितनी हो सके आप कर लीजिए क्वेश्चन, इसी से ही आपका नंबर बनेगा यानी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर। इग्नू हर बार रिपीट करता है क्वेश्चन और 100% गारंटी, अगर आपको पास होना है ना तो आप कोई गाइड वगैरह मत खरीदो। अगर आपके पास कोई गाइड है भी तो आप बस उससे हिंट्स लो, पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन जरूर देखें। आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और कितने वर्ड में लिखना है काफी मैटर करता है। पेपर पूरा भर के आना, नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट के लिए अलॉटमेंट है आपका 31 मार्च से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट। आप थ्योरी में पास हो जाते हैं असाइनमेंट में फेल तो समझो आप पूरी तरह से फेल। असाइनमेंट आ चुका है, आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस मीडियम में आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको मास्टर्स डिग्री के डाउनलोड करनी है तो आप सबसे पहले टैब में आइए।